थैंक यू वेरी मच। इतनी सारी बातें हो गई हैं और अब कुछ भी नहीं बचा है कहने के लिए, हम मंच की ओर आएंगे। लेकिन एक विषय करुणा जी ने तैयार किया है कि पारिवारिक तनाव और घर का पुरुष, पुरुष को कैसा होना चाहिए, और एक विषय डॉक्टर अंजलि ने तैयार किया है पारिवारिक तनाव और घर की स्त्री। आप चाहेंगे तो उस पर बात होगी, लेकिन पारिवारिक तनाव और शिक्षक की क्या भूमिका है, बहुत हमारे बीच प्राचार्य जी उपस्थित हैं, उससे पहले उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर पंकज सिंह मैम, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति पद्मश्री दीदी डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, सम्मानित मंच और श्रोतागण, बहुत कुछ सोच के आया था और संचालिका महोदय ने कहा था खुरदुरी बातें करनी है, समय का अभाव दे भी है तो केवल खुरदुरी बातें ही करूँगा। कुछ पंक्तियों से अपनी बात करूँगा, एक विवाह के पहले है और एक विवाह के बाद है, तो पहले विवाह के पहले की बात करता हूँ। मैंने अपनी एक सहेली से पूछा कि तुम कैसा पति चाहती हो, प्रश्न स्वाभाविक था, सुख देने वाला था। सहेली ने भी निसंकोच भाव से कहा मुझे गूंगा, लावारिस और धनाढ्य पति चाहिए। मैं गहरे सोच में पड़ गया और यही है क्या आज हिंदुस्तान का नया संस्कार, जहां सात जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं। मुझे एहसास होने लगा अब की पीढ़ी की नई सोच पर कि सुविधाओं से कोई समझौता नहीं, जिम्मेदारियों से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ मैं और मेरा सुख ही अब नए जमाने का दस्तूर है, नया संस्कार है। दोस्तों आओ इन्हीं परिस्थितियों के साथ जीना सीख लिया जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो अकेले अकेले ही रहना होगा जीवन में। ये विवाह के पहले की मानसिकता है, विवाह के बाद की मानसिकता बता रहा हूँ। दूसरी सहेली ने शादी हो गई, उसके बाद एक दिन मेरी शादीशुदा सहेली ने बातों बातों में मुझसे कहा कि मैं अपने सास ससुर को रखे हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रखी हूँ, चुपचाप उन लोगों को जो मिल जाए खा लेना चाहिए, पहन लेना चाहिए, इस उम्र में पूजा पाठ ध्यान करना चाहिए, लेकिन नहीं, हर वक्त कुछ न कुछ नुक्स निकालते हैं, कुछ न कुछ समझाते बुझाते रहते हैं। मैं सुन रहा था, गुन रहा था, मन ही मन कुछ बुन रहा था, मुझे एक बात अपनी सहेली की खल गई, कुछ ज़्यादा ही चुभ गई, सास ससुर को हम रखे हुए हैं। मैं सोचा क्या जमाना आ गया है, अब सास ससुर माँ बाप घर में रखने की वस्तु हो गए हैं। अगर मेरी सहेली यह कहती कि हम अपने सास ससुर के साथ रहते हैं तो शायद यह बात सुकून देती, इसमें सनातन संस्कारों की अमिट छाप लगती, शायद नए जमाने की नई तस्वीर है। तैयारी बहुत थी, समय बहुत कम है, इसलिए इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।